नमस्कार, मैं साहिस्ता और आप देख रहे हैं SKH न्यूज। फिरोजाबाद के जनपद के बदनपुर के समीप ससुराल जा रहे बाइक सवार तीन व्यक्ति को स्कॉर्पियो सवार ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार पति पत्नी और छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सड़क हादसे में बच्चे के पैर एवं हाथ की हड्डी टूट गई, पति पत्नी भी बुरी तरह जख्मी हो गए। घायल तीनों लोगों को सरकारी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं अज्ञात वाहन स्वामी के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई। देखिए फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या जयवीर सिंह, ये क्या मामला है पूरा? ये मारे भाई ससुराल जा रहे थे अपने, तो ये अपने हाथ से बाइक चला रहे थे, पन्नन से स्कॉर्पियो आई और वो लड़का लहरा लहरा की गाड़ी चला रहा था और इनने अपनी साइड में गाड़ी ली तो उसने सामने से ठोकर मार दी। ये कहाँ का मामला है? ये बदनपुर के बीच का मामला है। ये तो गाड़ी कौन चला था उसको आप जानते हो? वो तो ड्राइवर होगा सर। अच्छा, और आपने पुलिस में सूचना दी? अभी सर सूचना अभी जा रही है हमारी, अभी नहीं सूचना। अच्छा, नहीं तो आपके साथ आई नहीं पुलिस? अभी आई है सर। अच्छा, थाना सेंटर में 7 बजे आए। ये क्या मामला था? आपका नाम क्या है? अवधेश कुमार। अवधेश कुमार, ये क्या क्या मामला था? ये आपको चोट कैसे लगी? ये गाड़ी बलूरो आ रही थी सामने से स्कॉर्पियो, हम जा रहे थे अपनी रास्ते पे, उसने सामने से टक्कर मारी। अच्छा, तो किन लोगों को चोट आई है? हमारे बच्चे के और मैडम के। अच्छा, तो चोटें क्या क्या आई हैं? चोटें साहब बच्चे की हाथ और गोड़ टूट गए। अच्छा, और मैडम के? मैडम के गोड़ टूट गए। अच्छा, हमारी भौहें और हाथ। अच्छा, रोम में